महापंचायत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा था, इन तस्वीरों के साथ ही हम हरियाणा के मुख्यमंत्री का आपको बयान सुनवाते हैं कि कितने सकारात्मक तरीके से आज उन्होंने एक जवाब दिया था जब उनसे सवाल किया गया था, आप वो सुनिए इन तस्वीरों के साथ। संभावित लाइन ऑर्डर की स्थिति में समस्या आने वाले जो विषय होता है उस समय एडमिनिस्ट्रेशन अपने उनके जो सेट नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से अपनी प्रिकॉशंस लेते हैं, और अगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इस प्रकार का प्रिकॉशनरी मेजर लिया है तो ये निर्णय प्रशासन का होता है और प्रशासन सारी स्थितियों को संभालने के लिए इस प्रकार के सारे काम करता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रशासन को सब कुछ संभालने का अधिकार है और प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को देखता है, कानून व्यवस्था को बरकरार रखने का यहां पर अधिकार प्रशासन के पास है, तो इसमें फैसले प्रशासन को कहीं लेने पड़ते हैं और ये फैसले लिए गए थे। इंटरनेट सेवाएं कई जिलों में बंद है, अभी भी बंद है, और ये भी देखा जा रहा है कि उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा है क्योंकि गुरुराम सिंह चुडूनी ने पहले ऐलान कर दिया था कि एक महापंचायत बुलाई जाएगी करनाल में, और ये महापंचायत बुला ली गई है, और जिस तरह से इससे पहले प्रतिक्रियाएं सामने आई थी तो किसान आंदोलन पर भी निशाना साधा गया था सत्ता पक्ष की ओर से। ये देखिए आप, ये जो एंगल है कैमरे का, इससे आप अंदाजा लगाइए जो तस्वीरें कैद हुई हैं इस कैमरे में, ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, कुछ देर पहले की तस्वीरें जिसमें देखा जा सकता है कि बहुत ज्यादा संख्या है, आप गिनते रहेंगे तो ये संख्या हजारों में पहुंचेगी, और यहां पर तिल रखने की जगह दिखाई नहीं दे रही एक सड़क पर तो खासकर, और ये जो जिला सचिवालय है करनाल का यहां पर काफी कंजेस्टेड एरिया बाहर भी है, और पूरा करनाल आप मान लीजिए इस एरिया में ब्लॉक हो गया है, बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। यहां पर प्रदर्शनकारी किसान नजर आ रहे हैं, पहले रूट डायवर्ट किए गए थे, जो नेशनल हाईवे 44 से निकलने वाले यात्री हैं उनको भी डायवर्ट किया गया था, पानीपत से डायवर्ट किए गए कई रूट, और उधर से अगर चंडीगढ़ अमृतसर से आ रहे वहां से डायवर्ट किया गया था रूट, तो लोगों को तकलीफों का सामना तो आज करना पड़ा है, लेकिन सवाल वही कि कब तक ये चलेगा, सरकार क्यों मानने को तैयार नहीं है, और यहां पर किसान नेताओं की तरफ से भी ये कहा जाता है कि सरकार सब कुछ बात के लिए जिम्मेदार है, सरकार कहती है कि किसान नेता ही शर्तों के साथ आ गए इसलिए बातचीत नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में समाधान कब होगा, 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, इस तरह की तस्वीर हम कई बार देख चुके हैं, लेकिन इससे ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता, अधिकारी ठीक है बहुत परेशानी में रहते अपना काम कर रहे हैं, किसान नेता भी अपना काम कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी भी शामिल होकर अपना काम कर रहे हैं, मांगे मनवाने का काम कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है कामकाज में व्यस्त भी है, इन पर भी नजर बनाए हुए है, लेकिन आम आदमी के बीच में पैसे ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए जो बैठक खत्म हुई थी उसके बाद राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चुडूनी ने क्या कहा था वो आप सुनिए इन तस्वीरों के साथ, हम बाद में भी आपको जानकारी देते रहेंगे, पहले आप सुनिए बैठक खत्म हुई तो क्या कहा गया। बातचीत सिरे नहीं चढ़ी है और बाकी का जो फैसला है वो वहाँ पे जाके हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का लीडर के हमारे अगला कदम क्या होगा ये भी वहाँ पे पूछा है कि जिला सरकार ने प्रशासन ने कोई बात नहीं मानी और बातचीत टूट गई है। अभी वहीं पे मंडी में जाके सारे जो मोर्चे के नेता है वो फैसला हाँ ये गिरा भी तो है और क्या है, कितने दौर की वार्ता चली, वार्ता तो 2-3 बार गई, अंदर अंदर पूछने जाते हैं ये, और जो आदमी अंदर पूछने जाता होगा सरकार से, हमने कहा उसका संपेशन कर दो, उसको सस्पेंड करो और आगे जो उसकी इंक्वायरी है वो चलती रहेगी, तो हो जान दो भाई जो कुछ होगा वो क्या इलाज होगा। तो जिस SDM ने ये कहा था कि सर फोड़ दो प्रदर्शनकारी आगे आए लेकिन आगे नहीं आने दिया जाए, उसके बाद जो बवाल हुआ उसका ये नतीजा आप कह लीजिए, उसके बाद ये जो लाठीचार्ज किया गया उसका नतीजा इन तस्वीरों को कह लीजिए, ये गुस्सा भड़क उठ चुका था पहले से ही प्रदर्शनकारी किसानों का, किसान नेताओं का, उसका नतीजा इन तस्वीरों को कह लीजिए। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी मांग इस समय ये उठाई जा रही है कि SDM को आप या तो बर्खास्त कीजिए या उसे सस्पेंड कीजिए। राकेश टिकैत ये कहते नजर आए, SDM के पीछे किसान नेता पड़ चुके हैं और मांगे मनवाकर रहेंगे ये इनका कहना है, और ये भी कहा गया कि बार बार अधिकारी जा रहे थे, सरकार से बातचीत कर रहे थे, बार बार आ रहे थे जा रहे थे यही काम कर रहे थे, लेकिन अभी तक भी मांगों को नहीं माना गया है और मांगे मनवाने के लिए ये एक दबाव बनाया आ रहा है। करनाल से लगातार तस्वीरें खबरें अभी तक आपको दिखा रहा है, और यह भी हम बता रहे हैं आपको कि जो बैठक थी एक कि समाधान निकल सके वो समाधान नहीं निकला है, अभी जो हालात है ऐसे के ऐसे बने हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी किसान, जिला सचिवालय का घेराव करना चाहते हैं, सबकी निगाहें बनी हुई है इस खबर पर क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि अब
आगे होगा तो क्या होगा, आगे क्या यूं ही आगे बढ़ते बढ़ते जिला सचिवालय का घेराव करते रहेंगे और कितनी देर तक किया जाएगा, आगे की रणनीति का खुलासा नहीं किया गया कि उसके बाद क्या होगा, क्या वहां जाकर यह प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, सभी जो प्रदर्शनकारी किसान है वापस लौट जाएंगे, कुछ पता नहीं है अभी कि क्या होने वाला है, यहां पर क्या स्थिति बनने वाली है, क्योंकि अभी भी मांगे मनवाने को लेकर एक दबाव सरकार पर डाला जा रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आ चुका है, उन्होंने साफ कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाने के लिए हम सब तैयारी पहले से कर चुके थे, यहां पर काफी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि ये आगे बढ़ते जा रहे प्रदर्शनकारी किसान, और अभी तक तो यही देखा जा रहा है कि आगे बढ़ते बढ़ते ये रोका नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ इंतजाम पहले से, वोटर कैनन भी वहां पर है, ये पहले हम बता चुके थे, करनाल में वोटर कैनन की गाड़ियां मौजूद है और रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है, कि जो जवान है मुलाजिम है पुलिस के वो मौजूद है, कई एसपी मौजूद है, डीएसपी मौजूद है, मजिस्ट्रेट मौजूद है, तो एक तैयारी सरकार की तरफ से यानी कि प्रशासन की तरफ से भी की गई है कि निपटा जाए जो बवाल करे या जो हंगामा करे यहां पर, लेकिन कहा गया था गुरुराम सिंह चढ़ूनी की ओर से भी साफ तौर पर कि नहीं हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे, जहां पीटेंगे वहीं पिट लेंगे लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे, कोशिश रहेगी कि जिला सचिवालय का घेराव करें। ये आप देख सकते हैं बसें आपको दिखाई दे रही होंगी, देखिए पहले से इंतजाम ये भी किए गए होंगे कि कुछ संख्या में प्रदर्शनकारी किसान आगे बढ़े तो उनको गिरफ्तार या हिरासत में लेकर इनको कहीं दूसरी जगह छोड़ा जा सके कुछ देर के लिए शांति को बनाए रखने के लिए।